The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वाइन पीने से दिल जो है वो हेल्दी रहता है, क्या ये आपने सुना? नहीं सुना है तो सुन लो। जी हाँ, लोग कहते हैं और इस चक्कर में लोग पीते भी हैं और कई बार इसी चक्कर में लोग दारू भी पीते हैं। तो इसके बारे में कई सवाल हमसे आए बहुत सारे कि भाई सर प्लीज, वाइन पीनी चाहिए क्या, दारू पीनी चाहिए क्या, दारू कितनी पीनी चाहिए, स्मोकिंग करनी चाहिए? स्मोकिंग तो ऑब्वियसली नहीं करें, स्मोकिंग धुआं अंदर जाता है वो तो खराब करता ही करता है। बट जब वाइन की बात आती है, दारू की बात आती है, तो मेडिकल स्टडीज रिसर्च ये बताती है कि जी हाँ, थोड़ी बहुत वाइन पीने वाले जो लोग होते हैं, जब उनका हार्ट की बीमारी होने का रिस्क देखा गया और उसे कंपेयर करा गया जो लोग बहुत ज्यादा वाइन पीते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, तो उनसे जो थोड़ी बहुत वाइन पीते हैं ऑब्वियसली उनका हार्ट की बीमारी होने का रिस्क कम था। बल्कि ये भी देखा गया जो लोग वाइन नहीं पीते उनसे भी हार्ट की बीमारी होने का रिस्क जो लोग थोड़ी सी वाइन पीते हैं उनका कम था। अब इस चक्कर में वाइन पीना शुरू मत कर देना। जी हाँ, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये बहुत पतली सी लाइन है, बहुत फाइन लाइन है सेफ लिमिट और डेंजरस लिमिट वाले में। सो वो कब क्रॉस हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो लोग नहीं पीते हैं वो कतई गलती से भी शुरू मत करिए। जो पीते हैं वो लिमिट समझ लीजिए, लिमिट समझेंगे कि कहाँ तक खतरा है, जो एक रिकमेंडेशन है। ये भी कोई पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, इसके आसपास में हो सकता है तो हो सकता है आप ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, तो नीचे जितना नीचे उतना अच्छा, राइट? सो ये बहुत जरूरी है। हैवी ड्रिंकर्स को हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है और उस वजह से अल्कोहल अब्यूज और इवन हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। सो एक डॉक्टरों द्वारा, मेडिकल प्रोफेशन द्वारा जो रिकमेंडेशन है वो ड्रिंक्स पे है कि आप एक ड्रिंक लो, आप दो ड्रिंक लो दिन भर में, राइट? मतलब जब भी पियोगे एक ही ड्रिंक पीना, जब भी पियोगे दो ही ड्रिंक पीना। कौन पिएगा एक ड्रिंक? जितने फीमेल्स हैं, फीमेल्स की ओवरऑल बॉडी साइज कम होता है तो उनके लिए एक ही ड्रिंक अलाउ की जाती है, और जो मेन है उनकी बॉडी साइज बड़ा होता है इसलिए उनको दो ड्रिंक तक, वन टू टू ड्रिंक, यानी दो ही पीना है, वन टू टू ड्रिंक अवॉइड की अलाउ की जाती है, वो भी सेफ लिमिट बोला जाता है। अब वन ड्रिंक का मतलब समझना पड़ेगा आपको। वाइन के लिए वन ड्रिंक मतलब 118 ml, जी हाँ, यानी चार आउंस, यानी 118 ml, 100-125 ml के आसपास एक ड्रिंक आपकी वाइन की हो जाएगी। सो आप एक ड्रिंक ही पी सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, और अगर आप ओकेजनली कभी किसी ओकेजन में लोग दोस्तों के साथ चेयर्स करते हैं तो एक ड्रिंक आप पी सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट, यू आर गुड, यू आर हेल्दी। वाइन का, उसमें रेड वाइन, व्हाइट वाइन, डजंट मैटर सो मच, बट रेड वाइन इज लिटिल बेटर ऐसा बोला जाता है, बाकी इसका कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। फिर बियर, विस्की, रम, जिन, वोडका, ये सब हार्ड लिकर हो गए। बियर जो है वो थोड़ी सॉफ्ट, तो बियर में आप एक ड्रिंक बोला जाता है 350 ml, 12 ounces, 350 ml को एक ड्रिंक बोला जाता है। और जो आपके हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो इसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं 80 proof अल्कोहल, जो 40% अल्कोहल होता है, और एक होता है 100 proof अल्कोहल, जो 50% अल्कोहल होता है। सो अगर आप एक 40% अल्कोहल वाली पी रहे हैं, चाहे विस्की है, रम है, तो आप 45 ml तक पी सकते हैं एक ड्रिंक में। एक ड्रिंक 45 ml, 44-45 ml तक होता है, दैट इज वन ड्रिंक, तो आप दिन भर में बहुत ज्यादा हो गया तो दो पी सकते हैं, राइट? ये जब भी पी हो गया, ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं सर मैं साल में एक बार पीता हूँ बहुत सारा पी सकता हूँ, क्या? नहीं, ऐसा नहीं, राइट? सो जब भी पियोगे एक साथ आपका लिवर इतनी ही हैंडल कर सकता है, राइट? सो आपकी शरीर की बात हो रही है। और अगर आप 100 proof अल्कोहल लेते हैं, 50% अल्कोहल, तो आप केवल 30 ml का एक ड्रिंक बनता है। सो ये हिसाब याद रखिए। और रिसर्च ये बताता है कि यस, इट कैन हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिजीज, लेकिन ये इज नॉट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, राइट? कि मैं हार्ट डिजीज से बचना चाहता हूँ, लेट्स ड्रिंक, ऐसा नहीं करना भैया, प्लीज, हाथ जोड़े विनती। हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं तो अपना
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, पेट अंदर रखिए, कोशिश करिए आप अपना एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट लेना है, स्मोकिंग बंद करनी है, आइडियल वेट मेंटेन करना है और एक लो फैट डाइट फॉलो करना है और साथ ही अपना कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना है। तो ये बेस्ट तरीके हैं, ये प्रूवन तरीके हैं, 100 गुना और कारगर है, प्लस जो वाइन वाले हैं वो भी एक तरीका है। सो एनीवन हु हैज अ हार्ट अटैक, हैड अ हार्ट, अगर किसी को हो चुका है राइट, तो वो भैया बिल्कुल ड्रिंक और वाइन अवॉइड करें, वो उनके लिए वैसे भी हार्ट फेलियर को प्रमोट कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात नहीं हो रही हार्ट अटैक हो चुका है तो चलो दारू पिया, नहीं, हार्ट अटैक हो चुका है तो दारू पीना नहीं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, प्लीज शेयर दिस वीडियो, मुझे पता है कई लोग पीते हैं तो प्लीज उनको शेयर करो, उनको बताओ क्या हिसाब किताब है, सो पीपल नो, मे बी पीपल विल लिसन टू मी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।